वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस ड्रीम्स अबाउट यू। आपके स्पाउस जो है वो आपके बारे में क्या ड्रीम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रखे हैं, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन को आप स्ट्रॉबेरी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर टू आप ट्री से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस के क्या ड्रीम्स है आपके बारे में। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स, हार्मनी, एक खुशी है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके स्पाउस जो है एक खुशी चाहते हैं या खुशी मिलती है जब भी वो आपको देखते हैं। ड्रीम्स में भी जो है आप खुशी बरसा रहे हो उनके ऊपर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी जो नेचर है एक ऐसा नेचर है कि आप किसी से दबते नहीं हो। आपका जो है ये है कि आपके ऊपर कोई कमांड नहीं चला सकता। हाँ, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आप एक ब्रेव पर्सन हो, करेज पर्सन हो, जो भी आपका जेंडर हो या जिस भी स्पाउस के जेंडर में आप इंटरेस्टेड हो उस तरीके से आप सुन लेना। तो यहाँ पे जो है आपकी जो इनोसेंस है या जो आपकी ब्यूटी है या हैंडसमनेस है वो तो आपकी तरफ अट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन जो आपका नेचर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला वो बॉस एनर्जी है। आप जो है जैसे कहा जाता है कहावत में कि नाक पे मक्खी ना बैठने देना, तो इस तरीके का नेचर होगा। आपको गोल्ड ज़्यादा पसंद होगा या गोल्ड की ज्वेलरी पहनना पसंद होगा। आपको जो है डार्क मैरून या बरगंडी कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो ऐसी एनर्जी है। या आपको जो है बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर वाले जो क्या बोलते हैं उसे पैटर्न वाले जो कपड़े हैं वो पहनना पसंद होगा, तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे जो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी आए, गाइडेंस आई है। आप गाइडेंस दे सकते हो, आपके पास मैच्योरिटी है, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो आपके स्पाउस ये ड्रीम करते हैं कि आपके साथ जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आपके साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ जो है सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं लाइफ को, ऐसी एनर्जी। और वो ये भी जानते हैं कि अगर कुछ मुसीबत भी आती है तो आप जो है उनको संभाल लोगे, तो ऐसी एनर्जी है। और वो भी आपका जो है उसी तरीके से साथ देना चाहेंगे। यहाँ पे जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो एक एडवेंचरस नेचर की एनर्जी है। आपको एक्सपेरिमेंटिंग जो है वो पसंद होगी अपने जो प्राइवेट मूवमेंट्स हैं उसमें। और जो आपकी स्पार्क है या कॉन्फिडेंस है वो किसी और में नहीं है, तो ये चीज़ जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, और लास्ट में आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी। तो ये पर्सन जो है जो आपके स्पाउस है वो ड्रीम करते हैं कि आप जो है अपने आप को अनड्रेस कर रहे हो, थोड़ा सा टीजिंग एनर्जी है, आप दोनों के बीच में जो है इस तरीके का मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है, थोड़ी टीजिंग एनर्जी है, आप उनके पैशन को जो है वो थोड़ा जगा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और वो जो है मिसमराइज है आपकी ब्यूटी की तरफ भी, आपकी अपीयरेंस की तरफ भी, आपकी इनोसेंस की तरफ भी। यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि आपके स्पाउस जो है वो ड्रीम करते हैं कि आप दोनों कंफर्टेबल हो, एक लव सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, किसिंग है, निबलिंग है, बाकी कडलिंग है, बाकी हम मैसेजेस में भी देखेंगे। यहाँ पे जो है वो आपको इस तरीके से टच करने की इच्छा रखते हैं, या आपके एक्सप्रेशंस को या आपके जो साउंड है उसको सुनने की इच्छा रखते हैं, ऐसी एनर्जी है। और आपको इंटीमेट तरीके से भी टच करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ कप्स है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, लेकिन उन्हें पता है कि आपको जो है आपने उनको इजाज़त दी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, इसलिए नहीं, आप सच में उनको चाहते हो, तो ऐसी एनर्जी है। और फोर ऑफ कप्स जो है वो हमेशा बोर्डम को या इस तरीके से दिखाया, बाकी लोगों के लिए आप बोर्डम हो, तो ऐसी एनर्जी है। तो आपके स्पाउस काफ़ी पोजेसिव है आपके लिए, प्रोटेक्टिव भी है, और वो जो है एक तरीके से जैसे नज़र नहीं उतारी जाती है वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है, तो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो है वो हमेशा मूविंग फॉरवर्ड को दिखाते हैं, आपके साथ लाइफ क्रिएट करना, बेबीज क्रिएट करना, फैमिली क्रिएट करना, आपको कम्युनिकेट करना, कितना आप सुंदर हो या जो भी उनकी इच्छा है आपको उस समय उस टाइम पीरियड पे बोलने के लिए, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और नेक्स्ट आर टेम्परेंस है, सेजिटेरियस एनर्जी है, आपके साथ कडलिंग करना, आपकी स्किन को, परफ्यूम को जो है स्मेल करना या आपके बेहद करीब आ जाना, वो चीज़ जो है उन्हें पसंद करती है, अराउजल भी फील करवाती है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। रोल प्ले, यू आर माई लवली गर्ल। नेक्स्ट आर आपके लिए, यू स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, आई स्क्रीम फॉर योर मेल्टेड क्रीम, यू मेक मी थिंक द नास्टीएस्ट थॉट्स। नेक्स्ट आर आई गिविंग माई सेल्फ प्लेजर,
और नेक्स्ट आ रहा है डीप सीट, तो वो ऐसा भी चाहते हैं आपके लिए, आई लव व्हेन यू टेल मी आई एम योर्स। नेक्स्ट आ रहा है किस मी, वेयर यू वॉन्ट मी टू किस यू, नो हैंड्स। वी शुड लर्न बेड लेसन्स, तो वो ऐसा भी चाहते हैं, लाइफ इज़ लाइक SEX, यू कैन ईदर लाई बैक एंड लेट इट स्क्रू यू और यू कैन गेट ऑन द टॉप एंड राइड द हेल आउट ऑफ इट। नेक्स्ट आ रहा है गो फॉर अ क्विकी, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आया आई शुड नो हाउ टू टच हर विदाउट टचिंग हर रियली टचेस हर, और नेक्स्ट आ रहा है NAKAD कार्डल्स, तो वो जो है ऐसा भी चाहते हैं। और लास्ट में आ रहा है आई फैंटसाइज अबाउट यू शेविंग माई फेस वेन यू आर NAKAD, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक सीजर आया है, यहाँ पे एक कटर आया है, तो लिमिटिंग बिलीव्स को हटाने की ज़रूरत है और वो आपको प्रिंसेस का ट्रीटमेंट देने की इच्छा रखते हैं और वो देंगे भी, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग देख लेते हैं आपके लिए। कौन तुझे, MS धोनी मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए जब मिला तू, विशाल ददलानी का है, तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्री से चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस के ड्रीम्स किस तरीके के हैं आपके लिए। टेंथ स्टार कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है, हैवी एक्वेरियस एनर्जी है, नॉर्थ नोड अपना देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स इंटेंसिटी। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन टेम्परेंस का कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे जो है ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मिस्पराइज्ड है, रोमांटिक फीलिंग्स उनके ये मन में इन्वॉल्व है, ये आपकी मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, जब आप एक्सप्रेशंस जो आपके आते हैं हंसी के, खुशी के, गम के, हर तरीके से वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। उनके ड्रीम्स में ये आता है कि आप लोग जो है एक नेचर वाली सिचुएशन में हो, मतलब नेचर में हो और वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है और आप लोग कम्फर्टेबल हो, एक राजसी जैसा होता है ना कि बहुत बड़ा 7-star लग्जूरियस होटल हो या ऐसा कुछ, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, उस पूरे होटल में आप ही हो, तो ऐसी एनर्जी है। उनके ड्रीम्स में ये चीज़ आती है कि आप ही लोग हो, बाकी जो है सब काम करने वाले हों बेशक, लेकिन आप दोनों हो और वहाँ पे जो है, या प्राइवेट आइलैंड हो तो वहाँ पे जो आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। वो जो है आपको किस करने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा सा माउथ को यूज़ करते हुए जो है काफ़ी सारी चीज़ें उनके मन में आती हैं। ये पर्सन जो है आपके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा एक प्राइवेट मूवमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने सुंदर हो या हैंडसम हो, ऐसी एनर्जी है। एक डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने वाली इच्छाएं हैं और यहाँ पे जो है ये पर्सन आपको एक न्यू नेम दे रहे चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी है उनके मन में। और वो जो है आपको और बिल्ली को, जो उनकी बिल्ली हो, वो सेम नेम देना चाहते हैं, तो समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह की फैंटेसीज है उनके मन में। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स, तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, लव की जो है कोई कमी नहीं है यहाँ पर, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन जो आपके साथ फैमिली क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक अच्छी फैमिली को क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आपके बारे में प्रोटेक्टिव है, काफ़ी थोड़ा जेलसी भी फील करते हैं अगर कोई आपके पास आ जाता है। तो ड्रीम्स में भी ये चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि 7-star कोई होटल है और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, आप वहाँ पे जो है एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, एक दूसरे को छू रहे हो, स्मेल कर रहे हो, आपकी बॉडी मूवमेंट्स को क्रिएट करना, रिलैक्सिंग फीचर्स होना, ऑयल की मसाज करना, अरोमा थेरेपी देना, समथिंग इस तरीके से जो है वो आपको हर तरीके से अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, आपको लव को क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छी इंटीमेट नाइट को क्रिएट करना चाहते हैं और आपको जो है स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम खाते हुए या कुछ हल्का सा जो है सेंशुअल तरीके से भी आइसक्रीम को लेकर जो है उनके मन में आता है, या कोई कॉकटेल है उसको लेकर जो है आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उस तरीके के ड्रीम्स भी जो है वो आते हैं। अब यहाँ पे बोला नहीं जा सकता वो सब चीज़ें हैं, तो उसको मैसेजेस में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला आ रहा है अनड्रेस मी स्लोली, तो वो ऐसा चाहते हैं, यू मेक मी फील सो हॉट। नेक्स्ट आ रहा है ही कम्स अप फ्रॉम बिहाइंड, रैप्स हिज आर्म अराउंड योर वेस्ट, पुल्स यू क्लोज, किसेस योर नेक एंड सेज यू आर ब्यूटिफुल, कैंडी प्लेजर टाइम, I want to score more with you tonight. I love when my lips lie in between your legs. You are the one I want you.
आई कैन स्टिल टेस्ट यू। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई जूम एवरी पिक्चर ऑन द सोशल मीडिया एंड किस इट। तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। स्किनी गर्ल्स लुक गुड इन क्लोथ्स, कर्वी गर्ल्स लुक गुड एन ए के डी। नेक्स्ट आ रहा है आई एम योर सीक्रेट लवर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे माउस ट्रैप। तो यहाँ पे एनर्जी है और वो इसी तरीके से आपके बारे में फील करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे लियो एनर्जी है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, आपके डिज़ायर्स के बारे में पूछना चाहते हैं। और यहाँ पे सीज़र आई है, लिमिटिंग बिलीव्स है या जो शाइनेस है उसको भी जो है ख़त्म करने की इच्छा रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तुमसे आया है गाना, वरुण जैन और शिल्पा राव ने गाया है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, दुनिया ध्वनि भानुशाली ने गाया है, एक और देख लेते हैं आपके लिए। ना तुम जानो ना हम लकी अली गाए। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फीलिंग में रखते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।